Once again, welcome back to my YouTube channel Make Cookracia. In this video, you will learn the basic terminologies of IC engine. आज के इस वीडियो में आप लर्न करने वाले हो कि IC engine के जो basic terminologies है उनके बारे में. So ये हो गया हमारे 9 to 10 terminologies जो आज हम लर्न करने वाले हैं. And this is the 2D diagram of IC engine. ये IC engine का 2D diagram है जिसके थ्रू हम इसको लर्न करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज देखने वाले, दैट विल बी द बोर. आज हम बोर के बारे में लर्न करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय बोर. सो अगर आपको बोर का डेफिनेशन देखना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. इट इज अ बोर इज डिनोटेड बाय द डी. डी से इसको डिनोट करेंगे हम. इट इज अ नॉमिनल इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का जो नॉमिनल इनर डायमीटर रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए बोर. सो नॉमिनल इनर डायमीटर कौन सा है सिलेंडर का, यहाँ पर देख सकते हैं आप. सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इसको कैपिटल डी स्मॉल डी के नाम से हम इसको डिनोट करें. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, ये दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, हम उसको बोल रहे हैं यहाँ पर बोर. सो ये हो गया आपका सिलेंडर. जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जो डायमीटर रहेगा इसका, ठीक है, इस सिलेंडर का जो डायमीटर रहेगा, हम उसको यहाँ पर बोर बोलने वाले. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द टॉप डेड सेंटर. टॉप डेड सेंटर मतलब क्या है कि यहाँ पर आप डेफिनेशन में देख सकते हो, इट इज अ डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज अवे फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट. राइट नाउ व्हाट इज सी व्हाट इज द पिस्टन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पिस्टन. राइट नाउ द पिस्टन इज एट बीडीसी. पिस्टन कहाँ पर है अभी, बीडीसी पर है. व्हेन द पिस्टन विल रीच टू द टॉप डेड सेंटर, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ जाएगा तो क्या होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट. ये क्या है आपका क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट से पिस्टन क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा. सो इट इज अ पोजीशन व्हेन द पिस्टन विल बी अवे फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट, जब क्रैंकशाफ्ट से पिस्टन दूर चला जाएगा, दैट पोजीशन विल बी कॉल्ड एज ए टॉप डेड सेंटर. देन बॉटम डेड सेंटर किसको बोलेंगे हम, व्हेन द पिस्टन विल बी नियरर टू द क्रैंकशाफ्ट. अभी जो कंडीशन है पिस्टन की वो कहां पर है फिलहाल में, इट इज नियरर टू द क्रैंकशाफ्ट एज कंपेयर टू द टॉप डेड सेंटर. टॉप डेड सेंटर के अगर कंपैरिजन से अगर हम यहां पर देखेंगे, सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉटम डेड सेंटर जो रहेगा हमारा, इट विल बी द इट व्हेन वी विल कॉल्ड इट एज ए बॉटम डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन विल बी नियरर टू द क्रैंकशाफ्ट. जब पिस्टन हमारा क्रैंकशाफ्ट से नजदीक रहेगा, हम उसको बोलेंगे दैट विल बी द बॉटम डेड सेंटर. देन इसके बाद में हम देखने वाले नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रहेगी हमारी स्ट्रोक. सो डेफिनेशन में आप यहां पर पढ़ सकते हो व्हाट इज द स्ट्रोक. सी यहाँ पर डेफिनेशन में आप पढ़ो, देन इट इज अ नॉमिनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन व्हेन द पिस्टन ट्रैवल फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर. क्या मतलब हो रहा है इसका कि जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर ट्रैवल होगा, सो जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी द स्ट्रोक. यहाँ पर आप देख सकते हो इसको इस तरह से, ये हो गया आपका स्ट्रोक. और स्ट्रोक का जो डिस्टेंस बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है. ठीक है, आइदर इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर टू द टॉप डेड सेंटर और इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द टीडीसी टू बीडीसी. कहीं से अगर इन दोनों के बीच में अगर ट्रैवल हो रहा है पिस्टन, सो जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, स्ट्रोक. सो इसको स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं हम, विच इज डिनोटेड बाय द एल, जिसको हम एल से यहाँ पर डिनोट करते हैं. सो ये हो गया हमारा स्ट्रोक लेंथ. इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजीज रहेगी हमारी, देन दैट विल बी स्वेप्ट वॉल्यूम. अभी स्ट्रोक तो देख लिया हमने, अभी स्वेप्ट वॉल्यूम देखेंगे क्या रहेगा, विच इज डिनोटेड बाय द वी एस. अभी यहाँ पर क्या बोला है, ये वॉल्यूम है, इट इज नथिंग बट अ वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम. सो सी इट इज अ वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर. मतलब क्या है इसका कि जब हमारा ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे मूव होगा, दैट टाइम सम अमाउंट ऑफ एयर इट विल स्वेप्ट, जितने भी अमाउंट की एयर रहेगी उसको स्वेप्ट करेगा ये इसके अंदर फ्रॉम द इनलेट मैनिफोल्ड. इनलेट मैनिफोल्ड से जितनी अमाउंट की जितने एयर यहाँ पे सक करेगा उसको हम बोलेंगे दैट विल इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम के फॉर्म में वो क्या करेगा, एयर को सक करेगा, तो हम उस एयर को क्या बोलेंगे, दैट विल बी द स्वेप्ट वॉल्यूम. सो द अमाउंट ऑफ एयर और द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सक्ड बाय द पिस्टन, ओके, जितने अमाउंट में एयर सक किया पिस्टन ने, हम उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम. सो डेफिनेशन से अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज अ वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द सिलेंडर. सिलेंडर स्वेप्ट किया हुआ वॉल्यूम जो आपको यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रही है, क्या है, कंप्लीट स्वेप्ट वॉल्यूम है यहाँ पर. ठीक है, सो इट इज अ वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी. टीडीसी से बीडीसी पर ट्रैवल करते टाइम इसने जितने भी अमाउंट में जितना भी एयर सक किया है, जो उसका वॉल्यूम रहेगा उसको बोलेंगे हम स्वेप्ट वॉल्यूम. सो ये हो गया आपका स्वेप्ट वॉल्यूम. नेक्स्ट रहेगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम. क्लियरेंस वॉल्यूम हम किसको बोलेंगे, नाउ सी व्हेन द पिस्टन विल बी एट टॉप डेड सेंटर, जब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पर रहेगा, इट इज अ वॉल्यूम अवेलेबल इन द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर.
सिंपल है बहुत। देखो ये पिस्टन अभी कहाँ पर है, बॉटम डेड सेंटर पे। जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आएगा, मतलब जब पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, और फिर सिलेंडर के अंदर जितना भी हमारे पास में वॉल्यूम रहेगा अवेलेबल, उसको हम बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ क्लियरेंस वॉल्यूम। सो वेन द पिस्टन विल बी आर टॉप डेड सेंटर एंड वॉट एवर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कवर्ड बाय द सिलेंडर, सिलेंडर कितना वॉल्यूम कवर किया है उसको बोलेंगे हम क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ पर जो रेड कलर में आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इट इज नथिंग बट अ क्लियरेंस वॉल्यूम, और यहाँ पर जो येलो कलर में जितना भी रीजन दिखाई दे रहा है, इट इज नथिंग बट अ स्वेप्ट वॉल्यूम। देन ये होने के बाद में नेक्स्ट वाली जो टर्मिनोलॉजीज रहेगी हमारी, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज नथिंग बट अ इंजिन कैपेसिटी और दी क्यूबिक कैपेसिटी। इंजिन कैपेसिटी कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज ए क्यूबिक कैपेसिटी, जिसको हम शॉर्ट में सीसी बोलते हैं हमेशा से। सो क्या है इंजिन कैपेसिटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ सिलेंडर। नाउ सी, स्वेप्ट वॉल्यूम आपको पता चल गया, इट इज अ वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द सिलेंडर, सिलेंडर ने कितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया व्हेन पिस्टन ट्रेवल्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, उसको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। अगर फोर सिलेंडर रहेगा तो हम उसको फोर सिलेंडर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द सीसी, वो रहेगा आपका सीसी। मतलब फॉर एग्जाम्पल 400 सीसी अगर हम बोल रहे बाइक अगर 400 सीसी का है, ओके, तो उसका स्वेप वॉल्यूम कितना हो गया, अगर हम एक सिलेंडर का स्वेप वॉल्यूम बताएंगे तो दैट विल बी द 100। सो इस तरह से फोर सिलेंडर का रहेगा, सो उसका रहेगा आपका 400 सीसी रहेगा, तो 400 सीसी मतलब उसको फोर सिलेंडर रहेगी और स्वेप वॉल्यूम कितना रहेगा उसका 100 उसका स्वेप वॉल्यूम रहेगा। तो इस तरह से हम इसको सीसी फाइंड करते हैं यहाँ पर। मतलब सीसी क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्वेप वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ सिलेंडर। सो इट इज डिनोटेड बाय द सीसी, इट इज मेजर्ड इन अ सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सी, सीसी क्या रहेगा, वीएस इंटू के। Vs मतलब क्या है यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हो, Vs मतलब हो गया आपका स्वेप वॉल्यूम एंड K इज नंबर ऑफ सिलेंडर्स। सो इस तरह से आप यहाँ पर इंजन का सीसी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी रहेगी हमारी स्ट्रोक टू बोर रेशियो। सो स्ट्रोक टू बोर रेशियो देखो क्या है यहाँ पर, इट इज अ रेशियो यूज टू डिफाइन और आइडेंटिफाई द साइज एंड द शेप ऑफ द इंजन। साइज और शेप, इंजन का जो शेप रहेगा उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रोक टू बोर रेशियो, जिसको हम एल बाय डी बोलते हैं, ठीक है। एल क्या हो गया हमारा स्ट्रोक और डी क्या हो गया हमारा बोर हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर इसके कुछ रूल्स दिए हुए, जैसे कि अगर डी, इफ द डी इज लेस देन एल देन इट इज द अंडर स्क्वेयर इंजिन, इफ डी इज इक्वल्स टू एल देन इट इज अ स्क्वेयर इंजिन, एंड इफ डी इज ग्रेटर देन एल इट इज अ स्क्वेयर इंजिन, ठीक है। ये जो डायग्राम दिए यहाँ पर, इस डायग्राम को आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इस तरह से सी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी यहाँ पर क्या है छोटा है और एल यहाँ पर बड़ा है, तो हम इसको इस वजह से क्या बोले, सी डी हमारा कम है और एल ज्यादा है यहाँ पर, तो इस वजह से हम इसको बोले अंडर स्क्वेयर इंजिन। देन स्क्वेयर इंजिन किसको बोलेंगे, जब डी और एल दोनों भी आपका सेम हो जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हो डी भी आपका 2 रहेगा और एल भी यहाँ पर 2 रहेगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ स्क्वेयर इंजिन। और ओवर स्क्वेयर इंजिन किसको बोलेंगे, जहाँ पर आपका डी ज्यादा रहेगा और एल कम रहेगा। सो इस तरह से ये रहेगा आपका स्ट्रोक टू बोर रेशियो, ठीक है। देन इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि रहेगा हमारा कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो देखो हर एक इंजन का अलग अलग रहता है, पेट्रोल इंजन का अलग रहेगा और डीजल इंजन का अलग रहेगा, ठीक है। सो चलो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन में। सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो क्या रहेगा, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को कैसे डिवाइड करना है हमको, क्लियरेंस वॉल्यूम से। अब टोटल वॉल्यूम कौन सा हो गया हमारे सिलेंडर का, इट इज टोटल वॉल्यूम मीन्स इट इज द एडिशन ऑफ स्वेप वॉल्यूम एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम इन दोनों का जो एडिशन करेंगे वो रहेगा आपका टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम को हम डिवाइड करने वाले क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ में, सो यू विल गेट दी कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो इज डिनोटेड बाय द आर, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे कंसेप्ट हो गए, जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पर बोर, टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक, स्वेप वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, इंजन कैपेसिटी, स्ट्रोक टू बोर रेशियो एंड द कंप्रेशन रेशियो। अगर आप यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन में देखोगे इसको यहाँ पर, तो आर इज इक्वल टू वीटी बाय वीसी कर सकते हैं। वीटी क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वीसी। इसको और अगर सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो वीटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वीसी प्लस वीएस हो जाएगा। देन और अगर आपको सिंप्लीफाई करना, सो आर कैन बी इक्वल्स टू वीसी प्लस वीएस डिवाइड बाय वीसी, देन आर विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस वीएस बाय वीसी। इस तरह से आप इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये थे हमारे इंजन की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। आने वाले वीडियो के लिए वेट करते रहिए, ताकि आपको आने वाला जो कंसेप्ट रहेगा हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हमारा फोर स्ट्रोक इंजन किस तरह से वर्क करता है एंड हाउ द इंजन हैज टू परफॉर्म द फोर स्ट्रोक, दैट इज सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट कैसे होता है। देन फोर स्ट्रोक के बाद में हम लर्न करेंगे कि टू स्ट्रोक इंजन हमारा किस तरह से वर्क होता है। आई होप आप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।